तो व्यूअर्स, हम सभी लोग नए जगह पर जाना, खाना पीना, घूमना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी अनजान जगह पर जाना एक मुसीबत भी साबित हो सकती है। और आज हम एक ऐसी मूवी को देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम है द एनर्जी पार्लर। मूवी की शुरुआत होती है एक टैटू आर्टिस्ट को दिखाते हुए, लेकिन हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता है, पर वहाँ पर हम कुछ सर्जिकल टूल्स देखते हैं, जो कि किसी नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट का सामान तो नहीं था। फिर इधर हम कुछ दोस्तों को देखते हैं, जो कि एक अनजान शहर में ट्रैवल करने के लिए आए थे। रात में वो सभी एक नाइट क्लब को ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पर उन दोस्तों में से एमी बाथरूम जाने के लिए वॉशरूम को ढूंढने लगती है, पर एक जगह पर आके उसे कुछ पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नॉर्मल पेंटिंग है। अब इधर उसी क्लब में ब्रॉक को एक टैटू आर्टिस्ट मिलती है, जो कि आके उसको सीड्यूस करने लगती है। वो लड़की कहती है कि उसका एक टैटू पार्लर है और वो टैटू बनाने का काम करती है। अब उस लड़की की बात मान के ब्रॉक एमी को लेकर उस लड़की की टैटू पार्लर में चला जाता है, जहाँ पर जाके एमी को बहुत ही अजीब लगने लगती है और वहाँ की चीजें भी बहुत ही अजीब थे। वो टैटू आर्टिस्ट यहाँ के किसी भी चीज को छूने के लिए एमी को मना करती है। फिर एमी को बाहर ही छोड़ के वो टैटू आर्टिस्ट ब्रॉक को लेकर अंदर बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर जाके वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की इंटीमेट होने के बीच ब्रॉक को बेहोश कर देती है। और इधर बेसमेंट के ऊपर एमी इस टैटू पार्लर के ओनर रोरी से मिलती है। वो दोनों यहाँ पर टैटूस के बारे में डिस्कस करते हैं, और इसी बीच रोरी एमी को एक ड्रिंक देता है, जिसे पीने के बाद एमी बेहोश हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद रोरी और वो टैटू आर्टिस्ट उन दोनों को एक स्ट्रेचर में बांध देता है। ब्रॉक और एमी होश में आकर उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन दोनों को छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर उनका मकसद कुछ और ही था। रोरी यहाँ पर ब्रॉक के हाथों से स्किन निकलने लगता है और ब्रॉक बहुत ही दर्द से चिल्लाने लगता है। रोरी फिर कहता है कि उसके डॉग को इंसानों के कान खाना बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके बाद वो ब्रॉक का एक कान करके अपने डॉग को खिला देता है। और अब वो अपने टैटू आर्ट के लिए ब्रॉक की बैक साइड की पूरी स्किन निकाल लेती है। इधर बाकी दोस्तों को ब्रॉक और एमी की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी, और इसीलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे और उन दोनों को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। इस तरफ रोरी एमी को एक स्पेशल टैटू के बारे में कहता है, जो कि पूरे लाइफ टाइम में किसी स्पेशल इंसान को ही मिलता है। वो कहता है कि इस टैटू को हाथ से ही बनाया जाता है, तो इसलिए इस नीडल के हर एक मूवमेंट में बहुत ही दर्द महसूस होता है। जिसके बाद रोरी फिर एमी के फेस के ऊपर एक टैटू बनाने लगता है। दूसरी तरफ सभी दोस्त वहीं पर हर एक टैटू शॉप में ब्रॉक और एमी को ढूंढने लगता है, क्योंकि कल रात को उन्होंने ब्रॉक और एमी को एक टैटू आर्टिस्ट के साथ देखा था। फिर शाम के समय एक जगह पर कुछ टीनेजर बच्चे उन लोगों को गाली देता है, और जैसे गुस्से में आके एक टीनेजर बच्चे को बहुत ही पीटता है, जिसे देखकर बाकी के सभी टीनेजर भाग जाते हैं। फिर वहाँ से सभी लोग रोरी के टैटू पार्लर में आते हैं और रोरी से ब्रॉक और एमी के बारे में पूछताछ करते हैं। रोरी यहाँ पर कहता है कि ब्रॉक और एमी कल रात को ही टैटू बना के यहाँ से चले गए थे। फिर उनके जाने के बाद रोरी एमी को उसके फेस के ऊपर बनाया गया टैटू को दिखाता है और उसे कहता है कि जब भी एमी इस टैटू को देखेगी तो उसे यहाँ के सभी बातें और इंसिडेंट याद आ जाएगा। एमी यहाँ पर अपने फेस पर टैटू बना हुआ देखकर बहुत ही रो रही थी। इधर सभी दोस्तों को रोरी के बातों के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने उसके शॉप के अंदर कुछ अजीब तरीके का चीज देखा था। पर यहाँ पर सभी दोस्तों के बात सुनकर जेसी बहुत ही गुस्सा करता है, क्योंकि उसके मुताबिक ब्रॉक और एमी किसी और जगह पर जाके अपना प्राइवेसी टाइम बिता रहा है, और इसलिए जेसी उन दोनों को ढूंढने के लिए इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद वो एक स्ट्रिप क्लब में एंजॉय करने के लिए चला जाता है। अब जेसी के अलावा बाकी के सारे दोस्त रोरी के टैटू पार्लर में चला जाता है, और वहाँ पर उनको वही लड़की यानी कि वही टैटू आर्टिस्ट मिलती है, जो कि उन्हें एक बेसमेंट के अंदर ले जाती है। बेसमेंट के अंदर एमी और ब्रॉक की हालत देखकर केल्विन सीधा जेसी को कॉल लगाता है, लेकिन जेसी उसका कॉल नहीं उठाता है। फिर वो लोग जब एमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, उससे पहले ही वो टैटू आर्टिस्ट लड़की आके केली और केल्विन को मार के बेहोश कर देती है। इधर जेसी को केल्विन का वॉइसमेल मिलता है, जिसमें केल्विन ने उस टैटू पार्लर की सारी बातें बताई थी, पर फिर भी जेसी उसके बातों को इग्नोर करके उस प्रोस्टिट्यूट के साथ एंजॉय करने लगता है। दूसरी तरफ सभी को जब होश आता है तो स्टेपनी एक स्ट्रेचर पर नेकेड होकर लेटी हुई थी और केली और केल्विन को बांध के रखा गया था। एमी यहाँ पर सभी को बताता है कि ये टैटू आर्टिस्ट लोगों के स्किन निकल के अपना आर्ट बनाता है, और ब्रॉक को इन लोगों ने ही मारा है, और अब केविन की भी वो लोग स्किन निकालने लगता है, और दर्द के मारे केविन बेहोश हो जाता है। फिर रोरी और वो टैटू आर्टिस्ट स्टेपनी की तरफ जाता है। स्टेपनी के बैक साइड पर एक बर्थ मार्क था, जो कि रोरी को अपना आर्ट बनाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, और इसलिए रोरी टैटू को प्रैक्टिस करने के लिए उस लड़की टैटू आर्टिस्ट को दे देता है। रोरी को यहाँ पर कहीं जाना था, और जाने से पहले वो उस टैटू आर्टिस्ट को एक वार्निंग देके जाता है कि एमी को वो सेफ रखे। और अब रोरी के जाने के बाद लड़की ब्रूटली तरीके से स्टेपनी की बैक साइड की स्किन को उठा देती है, और स्टेपनी बहुत ही देर से चिल्लाने लगती है, और तब वो टैटू आर्टिस्ट स्टेपनी की गला मरोड़कर उसे जान से मार डालती है। दूसरी तरफ रोरी अच्छी ड्रेस पहन के एक अमीर आदमी से मिलता है। रोरी उस आदमी को एक पार्सल देता है,
जिसके बदले में वो आदमी उसे एक बैग पैसा देता है। और अब वो अमीर आदमी अपने घर आके रोरी का दिया हुआ वो पार्सल खोलता है जिसमें कि उसी आदमी की पेंटिंग की हुई थी। मतलब कि एमिनेमी ह्यूमन की स्किन से बनाया गया वो पेंटिंग उस क्लब में देखा था और इसीलिए ही वो पेंटिंग देखने में बहुत ही अजीब थी। दूसरी तरफ केली किसी भी तरह खुद को छुड़ा के उस टैटू आर्टिस्ट को बेहोश कर देती है, पर यहाँ पर वो एमी की चेन नहीं खोल पाती है जिसके बाद वो बाहर मदद बुलाने के लिए जाती है। लेकिन बाहर वही टीनेज बच्चे केली के पीछे पड़ जाती है क्योंकि जेसी ने उन बच्चों को पीटा था। फिर भागते भागते केली एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और उसके सामने वही टीनेज बच्चे आकर उसको मारने लगता है। उसी टाइम वहाँ पर रोरी भी आता है और वो केली और उन टीनेजर बच्चे को गोली मार के जान से मार डालता है। इधर जब उस टैटू आर्टिस्ट को होश आती है तो एमी उसकी हालत पर हंस रही थी और गुस्से में आके वो टैटू आर्टिस्ट एमी की दांत उखाड़ने वाली थी, लेकिन रोरी वहाँ पर सही टाइम पर आके उसको रोकता है। रोरी फिर एमी को संभालता है और उसकी चेन खोलकर उसे एक रूम पर ले जाता है जहाँ पर ह्यूमन स्किन से बनाया गया बहुत सारे आर्ट थे। वहाँ पर रोरी एमी को बताता है कि पुराने जमाने में रशियंस अपने दुश्मन की स्किन उखाड़ के उनमें अपने फोटो को टैटू बनाते थे और यही उनकी जीत का सिंबल हुआ करता था। यहाँ पर रोरी का खानदानी वही टैटू बनाने का काम करता था और रोरी यहाँ पर उसी ट्रेडिशन को ही फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ जैसे उस प्रोस्टिट्यूट को उसी पार्लर में टैटू करवाने के लिए ले आता है और कुछ ही देर में वो लड़की टैटू आर्टिस्ट उस प्रोस्टिट्यूट को टॉर्चर करके मार डालता है। जैसे को यहाँ पर पता चलता है कि एमी यहाँ पर रोरी के पास है और साथ ही में यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जैसी उसी फैमिली का ही एक मेंबर है जो कि रोरी को ऐसा आर्ट बनवाने का काम देता था। जैसी यहाँ पर चाहता था कि ब्रॉक के स्किन के ऊपर उसके फोटो का टैटू हो और वो एमी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, जिसके बाद जैसी एमी को छोड़ने के लिए कहता है। पर यहाँ पर एमी अगर बाहर जाने के बाद पुलिस को ये बात बता दी तो ये बात उसके फैमिली के लिए खतरा बन सकता था, तो इसलिए जैसी रोरी को एमी को मारने के लिए ऑर्डर देता है। लेकिन यहाँ पर रोरी जैसी को ही इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है क्योंकि एमी यहाँ पर रोरी की फेवरेट बन चुकी थी। रोरी फिर एमी को आजाद कर देता है और अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए कहता है। एमी यहाँ पर भागने के लिए सोचती है लेकिन ब्रॉक के स्किन से बना हुआ टैटू आर्ट देखकर एमी जेसी से बदला लेने के लिए सोचता है। एमी फिर बेसमेंट में जाके उस लड़की टैटू आर्टिस्ट को बहुत ही मारता है और उसका गला काट के उसको पूरी तरीके से मार डालता है। जेसी को जब होश आता है तो वो एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ था और एमी जेसी की स्किन निकालने लगती है, जिसके बाद जेसी वहाँ पर तड़प तड़प के मर जाता है। और अब जेसी की स्किन के ऊपर रोरी एमी का टैटू बनाता है। कहानी अब कुछ दिनों के बाद शुरू होती है जहाँ पर रोरी के टैटू पार्लर में दो लोग टैटू करवाने के लिए आए थे और एमी यहाँ पर उन दोनों को वेलकम करती है। मतलब कि अब उस लड़की की जगह वो अब रोरी की पार्टनर बन गई है। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड होता है।